देखो दोस्तों, यह देखो iPhone 13 कितने का है? iPhone 13 ये 11 का पड़ेगा, 11,000 का। ले लो, मैंने टाइम बहुत खराब कर रहा है यार, लेना तो है यार, एक बार देखने तो दो भाई। है 55, जल्दी देखो, लेना हो तो पुलिस आ जाती फिर वरना। अच्छा अच्छा भाई, और कौन कौन से हैं? और भी हैं भाई, लेना तो है यार, ये इसका सही वाला, इसका सही लगा लो, इसका एकदम परफेक्ट एकदम। हेलो गाइज एंड वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। दोस्तों जैसा मैंने एक पोल डाला था कि आपको किस पे वीडियो चाहिए, तो 82% लोगों ने, करीबन 81% लोगों ने बोला था कि चोर बाजार पे। तो दोस्तों आज हम आए हैं वापस से रघुवीर नगर मार्केट पार्ट 2। तो आज मैं एक्सप्लोर करूँगा, जिसको एड्रेस नहीं पता तो मैं एड्रेस कंफर्म करा देता हूँ। ये नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको पड़ेगा टैगोर गार्डन और राजौरी गार्डन, आप दोनों जगह से आ सकते हैं, आप दोनों जगह से आ सकते हो। 10 रुपये हार्डली आपसे ऑटो वाला लेगा, आपको यहाँ घोड़े वाले मंदिर पे छोड़ देगा। तो दोस्तों चलिए एक्सप्लोर करते हैं मेरे साथ रघुवीर नगर मार्केट में। प्यारा लग रहा, आप बता दो कितना मांग रहे हैं, कितने मांग रहे होंगे इसके? 800 का। 500 का? 800 का। 800 500 800 रेट चालू आंटी, जब कह लू ना चले ना अगले हफ्ते फेंक जाना फिर से। अरे तो वो तो मिलता ही नहीं है आज। कितने का दे रही हो ये? हम यहाँ ही बैठते हैं। कितने का दे रही हो? बड़ा महंगा है, अगले हफ्ते ही बेचा एक भी यही ऐसा ही। तो ये ऑन नहीं हो रहा, तगड़ा फोन है ये। कितने का है? 800 1000 का है ये, देखिए कोई बनी 8 इंच का तो होगा। यहाँ लेते वक्त आपको चेक करा देंगे। ये देखिए कार्बन का प्यारा सा स्मार्टफोन है, ये कितने का आंटी? 400 रुपये का है। और ये सोनी एरिक्सन का? 300 रुपये का। ओके, ये है 200 का फीचर फ़ोन है, काफ़ी प्यारा सा है। और ये देखिए सैमसंग का 200 का फ़ोन है। ये है 200 का, ये कौन सा है? MP4 प्लेयर है ये। ये कितने का है? ये भी अच्छा लग रहा है, 500। ये है 500 का, कंडीशन बिल्कुल मिंट है दोस्तों। दोस्तों देख सकते हो वीडियो में, ये तोशिबा की टीवी है, 43 इंच की है। ये मिल रही थी केवल 4,000 रुपये में, टीवी ऑन कंडीशन में थी और इसके सीरियल नंबर के साथ थी। आप जैसा देख सकते हो वीडियो में, कंडीशन बिल्कुल मिंट है दोस्तों। जैसा आप देख सकते हो ये LG की टीवी है, ये करीबन आपको 3,000 की दे रहा था। और यहाँ पर बगल में इंटेक्स की टीवी रखी है जो कि 2,000 रुपये की थी। अरे पहुंच गए वाले, आप पड़ेगा 120 रुपये। भाई आओ आओ, ना बीबी जी, ना बीबी जी के चले गए और बेकर फोन रख के चले गए, ढक्कन लगा के चले गए। देखो बीबी जी, ना बीबी जी आवाज चला वाला का, बीबी जी ना बीबी जी आवाज चला वाला का। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लेडीज़ आइटम है, लेडीज़ के यहाँ पे विंटर वियर्स हैं और लेडीज़ टॉप है। तो जो बेसिकली हमने पता किया था, यहाँ पे 30-30 रुपये में दे रहे हैं, काफ़ी चीपेस्ट प्राइस है। मैं इसलिए वॉइस ओवर दे रहा हूँ, माइक का थोड़ा इशू चल रहा था तो इसलिए इस वीडियो में वॉइस ओवर दिया है। बाकी रेट मैंने कन्फर्म किया है, 30 रुपये के ही हैं। कौन कौन सा फ़ोन भाई, ये कौन सा है? ये iPhone 7 है, एक बार दिखाना भाई। iPhone 7 देख सकते हो दोस्तों, एकदम मिंट कंडीशन है, ये थोड़ा सा स्क्रैचेस है। ये कितने का दे रहे हो भाई? ये आपको पड़ेगा 5 का। ये है 5 का है। और इसके अलावा और भी हैं? अरे बजट है तो बताइए, और भी है मेरे पास। बजट पे कौन कौन सा है तुम्हारे पास? iPhone 11 है, 13 है। 13 भी भाई, 13 दिखाना भाई, 13। ये देखो दोस्तों, ये है iPhone 13, देख सकते हो आप कंडीशन, देखो बिल्कुल तगड़ी है। ये हल्के से डेंट्स लगे हुए हैं लेकिन देख रहे दोस्तों। ये है देखो iPhone 13, कितने का है? iPhone 13 ये 11 का पड़ेगा, 11,000 का। हाँ दोस्तों देख रहे हो, कंडीशन बिल्कुल मिंट है। अगला कौन सा है भाई? ये iPhone 11 है। iPhone 11 ये कितने का दे रहे हो?
ये पड़ेगा 10 का, ये है 10 का, ये देख सकते हो दोस्तों आईफोन 11 कंडीशन मिंट है। जल्दी देखो लेना हो तो पुलिस आ जाती फिर होना। अच्छा अच्छा भाई, और कौन कौन से हैं? और भी हैं भाई, लेना तो है यार ये, इसका सही वाला, इसका सही लगा लो, इसका एकदम परफेक्ट, एकदम मिंट है, रियल, अभी ज़्यादा टाइम नहीं चला, एक साल भी नहीं हुआ इसे। ये देख सकते हो, ये देखो, कोई भाई बजट वाला फ़ोन है क्या? बजट वाला फिर ये है रेडमी 9 प्रो। रेडमी 9 ये कितने का है? ये पड़ेगा 3 का भाई, लेना ले लो, मैंने टाइम बहुत खराब कर यार। अब यार लेना तो है यार, एक बार देखने तो दो भाई। देख सकते हो दोस्तों, ये देखिए रेडमी का भी बजट फ़ोन भी है। बेसिकली हमें यहाँ पर केवल और केवल ये मिले थे जो क्लॉथ्स होते हैं, अभी ज़्यादातर यहाँ पे विंटर स्टॉक्स आ रखे हैं, केवल क्लॉथ ही हैं, और हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थोड़े कम दिखे हैं इस बार चोर बाज़ार में। जैसा कि आप देख सकते हो हर जगह केवल कपड़े ही कपड़े दिखेंगे। हाँ, यहाँ कपड़े बेचने वाले के पास भी मोबाइल दिखेगा, टीवी दिखेगी, ये है, लेकिन मोबाइल काफ़ी आउटडेटेड होते हैं, जैसा कि बार आप वीडियो में देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, हम और भी आगे कवर कर रहे हैं। ये 100 रुपए की जींस है, यहाँ पे इधर रख दो, ये सारी 100 की हैं। नीचे 50 वाला, 50 वाला दिखा देना ये, इसके नीचे उसके, उसके नीचे दिखाना ये नीचे, ये देखिए ये देखिए 50 की, आपको यकीन नहीं होगा इतने सस्ते सस्ते रेट में इस मार्केट में मिलती है। बिल्कुल नई है, नई मिंट कंडीशन है, ये थोड़ी सी ओल्ड सी लग रही है, लेकिन 50 रुपये में कोई ख़राब डील नहीं है ये। खराब वाली तो 10-10 रुपये की है। 10-10 वाली भी है क्या आपके पास? हाँ जी, सब मिक्स होता है, जैसे बिकता भी है ऐसे हल्का रेट हो जाता है हमारा। ओके ओके ओके, ये कितने का आंटी? 400 रुपये का। और ये स्पाइस का, ये कितने का है? 500 का है। ये देखिए स्पाइस का फ्लैप वाला फ़ोन है, ऑन है, देखते हैं ऑन कंडीशन। देखिए जैसे यहाँ पे कपड़े बेचने वाले के पास भी टीवी रखी हुई है, हार्ड ड्राइव रखी हुई है, देख सकते हैं। मैं आपके पास जूम करके दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आप देखो कि ये देखिए यहाँ पे एक लेनोवो का लैपटॉप भी है। एक बार मैं आपको फिर से, ये देखिए लेनोवो का लैपटॉप है, और ये करीबन था 3000 रुपये का। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ, बहुत लोग कमेंट्स में कहते हैं कि भाई ये आईफोन कितने का है, आईफोन लेने चल रहे हो या नहीं, तो दोस्तों देखो ऐसा है कि आप खुद आना पड़ेगा यहाँ पे, और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पहली बार आओगे तो आपको मिल ही जाए, और यहाँ पर आपको 2-4 लोगों से पूछना पड़ेगा कि हमें आईफोन चाहिए तो आईफोन कहाँ मिलेगा, तो वो आपको गाइड कर देंगे कुछ लोग जहाँ से आप आईफोन ले सकते हो। और रही बात कि कुछ लोगों का कमेंट भी आता है कि यार हम गए थे हमें नहीं मिला, आपको मिल गया, तो दोस्तों देखो ऐसा होता है, मैं भी 8 बार 9 बार 10 बार आता हूँ, कभी अभी टोटल मैं यहाँ पे मेरे ख्याल से 12-15 बार आया हूँ, जिसमें से मुझे 2 या 3 बार ही मिले हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हर बार आके ही वीडियो डालता हूँ। और दोस्तों मैं अपने चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, स्ट्रीट ब्लॉग्स की, स्ट्रीट फूड ब्लॉग्स की। बेसिकली इसमें मैं कवर करने वाला हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रीट फूड्स, उनके रेट के हिसाब से, मतलब जो प्राइस रेंज होगी वो काफ़ी मीडियम रेंज की होगी, मतलब अफोर्डेबल रेंज की होगी। आप एक बार सीरीज देखिएगा, जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, इसमें 1-2 ब्लॉग मैंने बनाए हुए हैं, अभी एडिटिंग चल रही है उस पर। आई होप जैसे आपने, जैसे आप लोग मेरे इस ब्लॉग को सपोर्ट करते हो उसको भी मतलब प्यार दोगे उतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।